सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय जानेंगे तो सुमित्रानंदन पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाए। ये छायावादी और यथार्थवादी के दर्शन वाले कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि छायावादी और यथार्थवादी दर्शन के कवि कौन हैं? तो याद रखिएगा, सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इनका जन्म 1900 ईस्वी में कोसानी उत्तरांचल में हुआ था। आपसे पूछा जा सकता है कि सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो इनका जन्म 1900 ईस्वी में कोसानी उत्तरांचल में हुआ था। जन्म मात्र के 6 घंटे बाद उनकी माता, सुमित्रानंदन पंत जी की माता का नाम क्या था? तो सरस्वती देवी का देहांत हो गया। पिता का नाम गंगादत्त पंत, कोसानी दी स्टेट में अकाउंटेंट थे। उनके जो पिता थे वह कोसानी दी स्टेट में अकाउंटेंट थे। सुमित्रानंदन पंत जी का जो शिक्षा था वह प्राथमिक शिक्षा गांव में प्राप्त हुआ और वह बनारस आकर हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त किए। इसके बाद आजीवन वह इलाहाबाद में रहकर साहित्य की रचना की और यहाँ पर लिखा हुआ है 29 दिसंबर 1977 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी प्रमुख कृतियाँ उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन, युगगात, युगवाणी, ग्रामय, स्वर्ण धूलि, स्वर्ण किरण, युगपत, चितंबरा, लोकायन आदि है। चितंबरा पर पंत जी को भारतीय ज्ञान पीठ पुरस्कार से नवाजा गया। तो आज हम लोग सुमित्रानंदन पंत जी की जीवन काल के बारे में अध्ययन किए हैं, जो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। सुमित्रानंदन पंत जी की रचना भारत माता, इस कविता का अब हम सस्वर वाचन भी करेंगे, साथ साथ इसकी व्याख्या भी समझाने की कोशिश करेंगे, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए मैं आपको इस कविता के सस्वर वाचन की ओर ले चलता हूँ। भारत माता ग्राम वासिनी। भारत माता कहाँ है? तो गांव में है, खेतों में है फैली, श्यामल धूल भरा मैलासा आंचल, गंगा यमुना में आश्रुजल, मिट्टी की प्रतिमा उदासी। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के काव्य खंड से लिया गया है। इस पंक्ति में सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा रचित है भारत माता ग्राम वासिनी शीर्षक कविता से ली गई। इसमें कवि कहते हैं कि भारत माता कहाँ निवास कर रही है? तो गांव में, अर्थात भारत माता की आत्मा गांव में है। ऐसा प्रतीत है जैसे वहां के खेतों में भारत माता क्या हो गई है? श्यामल। जैसे काम करता है कोई भी किसान तो क्या होता है? उसी तरह से श्याम पड़ गई है। और धूल भरा मैलासा आंचल फैलाए हुए, कवि का आशय है कि भारतीय किसान खेतों में काम करते हैं क्योंकि भारत माता ग्राम वासिनी है। केवल एक किसान ही नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार खुले आकाश के नीचे प्रातः काल से लेकर संध्या तक खेतों और मैदानों में, खेतों पशुचारण कार्य में लगा रहता है। फिर भी वे बहुत ही गरीब और पिछड़े हैं। उनके
चेहरे पर उदासी और उनकी आंख आंसू जल से भरी है। कवि की कल्पना है कि भारत माता अपने संतानों को दुखी देखकर आंसू बहा रही है, रो रही है भारत माता कि देखिए हमारी संतान कैसी हो गई है। कवि के अनुसार गंगा यमुना में जो जल बह रहा है वह जल नहीं भारत माता के आंसू हैं, जो कि प्रवाह हो रही है, बह रही है, अनवरत बह रही है। जो मिट्टी यानी मातृभूमि अथवा भारत माता उदासीन है, दुखी है। दूसरा पद है दैत्य जरित अपलकनित चितवन अंधेरों में चीर निरोदत युग युग के तम में विषन मन वह अपने घर में है प्रवासी। लिखेंगे प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधरी भाग दो काव्य खंड से लिया गया है। यह भारत माता ग्रामवासिनी शीर्षक कविता से उद्धृत है। यहां प्रस्तुत पदांश में कवि सुमित्रानंद पंत के कह रही है कि गांव में बहने वाली आम जनता जिसे उन्होंने भारत माता का प्रतीक माना है का चित्रण किया है। कवि कहते हैं कि ग्रामवासिनी भारत माता की आंखों में दीनता है, जड़ हो चुके हैं उनकी पलकों की दृष्टि, नजर सदैव नीची झुकी होती है। अपने ही घर में वह क्या हो गई है, प्रवासिनी हो गई है। वह भारत माता का मन युगो युगों से व्याप्त अविकास के अंधेरे के कारण दुखी और अस्तव्य है। वह उस चीज को देखकर कि देखिए क्या हो गया है मेरे पुत्रों को, वह क्या कर रहे हैं। आगे है पद में 30 कोटि संतान नग्न तन आर्द अछूत शोषित निर्जन मूड असभ्य अशिक्षित निर्धन नत मस्तक तरुतल निवासिनी भारत माता ग्रामवासिनी। तीसरे पद में कहना चाहते हैं कवि, क्या कहना चाहते हैं तो समझिए। लिखेंगे प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग दो के काव्य खंड भारत माता कविता से लिया गया है। इसके रचनाकार या लेखक सुमित्रानंदन पंत जी हैं। वह कह रही है कि यहां पर भारत माता ग्रामीण जनता के अभावग्रस्त को इंगित करते हैं, उनके पिछड़ेपन, उनके 30 करोड़ संतानें हैं जो आज क्या हैं, संतान वस्त्रहीन है और शरीर पर एक कपड़ा नहीं है, वो आधा पेट खाकर रहने वाले हैं, शोषित हो रहा है, निहत्ते हैं, भूखे हैं, असभ्य हैं, अशिक्षित हैं, निर्धन हैं। इसलिए हे भारत माता, आप झुके नमस्तक पेड़ के नीचे निवास करने वाली यह देख रही हैं, वह दुखी हैं कि किस प्रकार से गांव के निवासी असभ्य हैं, अशिक्षित हैं। अधिकतर लोग तो ऐसे हैं जिनके रहने के लिए घर भी नहीं है, इसीलिए व्यवस्था में वह वृक्षों के नीचे या खुली जगहों पर सो रहे हैं। आगे कवि कह रहे हैं स्वर्ण श्याम पद लत कुंठित धरती सा सहनशूलता मन कुंठित क्रंत कपत अधर मौन सीमित राहु ग्रसित भारतेंदु हासनी भारत माता ग्रामवासिनी। यहां पर लिखेंगे प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग दो के काव्य खंड भारत माता कविता से लिया गया है, जिसके रचनाकार या लेखक सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इस काव्य में ग्रामैया काव्य में भारत माता ग्रामवासिनी कविता में इन पंक्तियों में कविवर सुमित्रानंदन पंत भारत की उपजाऊ भूमि पर निवास करने वाले ग्रामीणों की विवस्था और कुंठाओं को बड़े ही मोहक चित्रों के साथ प्रस्तुत करती हैं।
कवि कहते हैं कि ग्रामवासिनी भारत माता की स्थिति यह है कि उसकी भूमि उपजाऊ है परंतु पैरे तले रौंदी जा रही है। स्वर्ण अदृश्य किसी मूल्य पर वस्तु के समान है, उसमें धरती की तरह सहनशीलता सहन सकती है, पर उसका मन अभाव और दुखों के कारण कुंठित हो गया है और वह रो रही है। अपने कांपते होठों पर चुप्पी साधी है, मानो वह मौन हो गई है, जैसे राहु द्वारा ग्रसित शरद पूर्णिमा का चांद मुस्कुरा तो रहा है पर चांदनी परिहार है, क्योंकि वह इस चीजों को देखना चाह रही है और मुस्कान को वह क्या कर ली है, ग्रसित कर ली है। इस हंसी को वाले आप पल को आप देख सकते हैं। आगे है चिंतित भ्रुकुटी क्षितिज तिम माकरान्ति निमित नयन नभ वाष्प आंचित आनंद श्री छाया शशि उपमित ज्ञान मूढ़ गीत प्रकाशनी भारत माता ग्रामवासिनी। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग दो के काव्य पद खंड से लिया गया है। यह भारत माता कविता के रचनाकार लेखक सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रानंद पंत जी हैं। इसमें कह रहा है, गीता को प्रकाश करने वाली हे भारत माता, आप ज्ञान के अधुल मूर्ति हैं, आपके भवों को पर चिंताओं की रेखा है, आपका प्रकाश अंधकार में आच्छित है, आपकी आंखें झुकी हुई है, आपका आकाश वायुयान के वाष्प से ढका है, आपके मुखमंडल में शोभा अलंकृत है, चंद्रमा से उपमा देने योग्य है। आगे पद है, सफल आज उसका तप संयम, सफल आज उसका तप संयम, पिला अहिंसा असनय शुद्धपन, हरित जन मन भय भव तम भ्रम, जग जननी जीवन विकासनी भारत माता ग्राम वासनी, भारत माता ग्राम वासनी। सफल आज उसका तप संयम, पिला सहिंसा अस्तन शुद्ध पौन, धरती जन मन भय भव तम भ्रमन, जग जननी जीवन विकासनी भारत माता ग्रामवासी। इस पद में लेखक कहते हैं कि भारत माता ग्रामवासिनी कविता के उद्धृत पंक्तियों के माध्यम से सुमित्रानंदन पंत जी आशा करते हैं, कहते हैं कि आज उनकी तपस्या संयम सफल है, क्योंकि अपने अस्तन से अहिंसा रूपी उत्तम अमृत पिलाकर लोगों के मन में भय मिटा रही है, लोगों के दुख में अज्ञान और भ्रम को दूर कर रही है, जग जननी की तरह लोगों के जीवन को विकसित कर रही है और उस ओर ले जा रही है। तो चलिए आज हम लोग भारत माता कविता जो कि सुमित्रानंदन पंत जी हैं की रचना है उसका हम अध्ययन किए हैं। कुछ अगर अशुद्धियां हुई है तो वह बोलने के क्रम में हुई है, तो उसे आप ना देखें, भाव को समझें। धन्यवाद।